बुझाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में हटाने कोई नहीं आया। क्या वो इस्लाम का ही मरकज था, क्या मदीना था वो मोहम्मद का, क्या वो इस्लाम का ही मरकज था। तेरा के ताजियाने कोई नहीं था, फातिमा का भरे मदीने में गम बटाने कोई नहीं आया। रस्सियां थी अली की गर्दन में, और बाजार से गुजरते में गम बटाने कोई नहीं आया। घर जला कत्ल हो गए मोहसिन, पसलियां सैयदा की टूट गई। घर जला कत्ल हो गए पसलियां सैयदा की टूट गई। फिर भी कहते हो तुम के जहरा पर नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में गम बटाने कोई नहीं आया। खुद ही चुनने बीजादी बिखरी तहरी देने में गम बटाने कोई नहीं आया। हर सितम फातिमा पे डाया गया, जलता दरवाजा भी गिराया गया। हर सितम फातिमा पे डाया गया, जलता दरवाजा भी गिराया गया। अपने मेहदी को दी सदा उसने, जब उठाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में गम बटाने कोई नहीं आया। आठ शव्वाल को हुई अकबर, फिर शहादत नबी की बेटी की। आठ शव्वाल को हुई अकबर, फिर शहादत नबी की बेटी की। गिर रहा था मजार बीबी का, और बचाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में गम बटाने कोई नहीं आया। घर जलाने तो कलमा गो आए, दर बुझाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ابھی آپ کے سامنے جناب قاضی مخرج صاحب حدیث حقیقت اور نوح پیش فرما رہے تھے. ہم اہل خانہ کی جانب سے ان کے شکر گزار ہیں اور گزارش کرتے ہیں ماسٹر علی رضا سے کہ تشریف لائے اور موضوع مکان ان کی بارگاہ میں سلام و نوح پیش فرمائے. بر محمد و آلی محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. پردے شب میں میری میت اٹھانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں. حشر کے میدان میں بھی اس حال میں ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں. اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پر تم سے زہرا یا علی. کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا. آپ کے تم سے زہرا یا علی. تازیانے کی یزیت کا اٹھانا ایک طرف, وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف. سب سے مشکل تھا تم سے زہرا یا علی. جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا. در کے گرنے سے میرا
जब से आई हूँ पलट कर फिक्र है मुझको यही, मैं तो पर्दे में गई फिर भी ज़ईफ हो गई, मेरे दादर बार है ज़ैनब को जाना याली, आज रोक साथ हो रही है तुमसे ज़हरा याली, करबला में जब मेरे मजलूम पर खंजर चले, प्यासे के आलम में वो गाजी को जब आवाज दे, मैं भी आऊंगी वहां पर तुम भी आना याली, आज रोक साथ हो रही है तुमसे ज़हरा याली, आज रोक साथ हो रही है तुमसे ज़हरा याली, हाथ पहलू पर रखे बोली तकल्लुम फातिमा, मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कह देना जरा, जल्द आए मेरे मेहदी का जमाना याली, आज रोक साथ हो रही है तुम दोहरा, पर्दे शब में मेरी मैयत उठाना याली, आज रोक साथ हो रही है तुमसे दोहरा याली, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात जजाकल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आपके सामने मास्टर अली रज़ा हदीए हकीकत पेश फरमा रहे थे। हम दुआ को हैं परवरदिगार बच्चे की तौफीकात में साथ ही मैं मुल्तमिस हूँ समीम हैदर से कि तशरीफ लाएँ और बारगाह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह में नौह और सलाम पेश करवाएं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सल्लम मोहम्मद सलवान शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, क्या हाल ये उम्मत ने जहरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता खातून कोई गम से यूं चूर नहीं देखी, ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर नहीं देखी, 18 बरस में ही लगती शिकस्ता है, पहलू
शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। दरबार में जालिम ने की ऐसी पजीराई, किस तरह से तू बीबी फिर लौट के घर आई। बालों की सफेदी ने सब हाल सुनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। तू रोती रही घर में है दर से भी छुप छुप के, उस्मत की तरह दुख भी पर्दे में रहे तेरे, कुछ दर्द तेरे बीबी बस जानती फिजा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। दो ऐसे जनाजे हैं तारीख ने तोड़े, बस घर के ही लोगों ने दोनों को दिए कांधे। एक फातिमा ज़हरा है, एक बाली सकीना है, शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। मरहम तेरे जख्मों का बीबी ना मिला अब तक, औलाद उमैया की बाकी है जफा अब तक। रोने शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। तस्वीर हकीकत की ख्वाबों को बना दीजिए, ऐ बीबी तकल्लुम को ताबीर दिखा दीजिए। मातम तेरी तुर्बत पे होते हुए देखा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। क्या हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलवात। جناب سید السلام علیہ اجر عظیم عطا فرمائیں۔ یہ بچہ بھی یقیناً نیا ہے پڑھنے والا، اس کو بھی آپ لوگ سراہیے گا اور دعا فرمائیں، مولا کی بارگاہ میں پروردگار کی توفیقات میں اس کی ہمت اور حوصلے میں اضافہ فرمائیں۔ اور ساتھ ہی میں ملتمس ہوں ماسٹر پور سے کہ تشریف لائیں اور جناب سید السلام علیہ کی بارگاہ میں نوحہ اور سلام ہدیہ پیش کریں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ جو حضرات تھوڑا سا پیچھے تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے تشریف نہ آئے تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو مشکل پیش نہ فرمائے، اور جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان سے بھی ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اندر تشریف نہ آئے، کافی جگہ موجود ہے اور جہاں بیٹھ کر مجلس کو سماعت فرمائیں گے تو اور اجر بھی اضافہ ہوگا۔ گزارش کرتا ہوں ماسٹر بور سے
بارگاہ جناب سیدہ میں سلام و حافظ فرمائیں بر محمد و آلی محمد صلوات جو کائنات غم علی سلام کرے اور
खुदा
होने के आगे आपके सामने मास्टर गुरु नोहा पेश फरमा रहे थे दुआए जनाब सैयद अस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कि इसकी कोशिश और काविश को कबूल फरमाए और इसको मजीद तौफीक और हिम्मत और हौसला अता फरमाए। मैं मुल्तमिस हूँ मास्टर एहसन अली खान से कि तशरीफ लाए जनाब सैयद अस्सलाम अल्लाह की बारगाह में नोहा और सलाम पेश फरमाए। बर मोहम्मद व आली मोहम्मद सलावात बर मोहम्मद व आली मोहम्मद सलावात फिर भी सलावात सजाद को सजाद को गम
बरसाता है कौन है आबिद तो बड़ी दे आबिद तो बड़ी देर से बे सजाद को बेमोती ए शिमरे नहीं किस पे तू शिमरे लई किस पे तू बरसाता है कोड़े आबिद तो बेहोश पड़ा है सजाद को बेमोती जंजीरों की आवाज उभरती रही शबर जंजीरों की आवाज उबरती रही शब इस कैदी को क्या रोग है इस कैदी को क्या रोग है क्यों जाग रहा है सजाद को बेमोती बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قبول فرمائے ان کی اس خدمت کو ان کی اس کوشش کو میں اہل خانہ کی جانب سے شکر گزار ہوں جناب احسن علی خان کا کہ یہاں تشریف لائے اور ہدیہ نوحا پیش فرمایا ملتبس ہوں نوحا خان اور خان جناب علی مہدی صاحب سے کہ تشریف لائے اور بارگاہ جناب سید السلام اللہ علیہ میں نوحا السلام پیش فرمائے بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد ابھی بھی اندر جگہ ہے کافی جگہ ہے جو حضرات بہت تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ اندر کی طرف تشریف لے آئیں کافی جگہ ہے یہاں پر اور یہاں بیٹھ کر اگر نوح سلام سماعت فرمائیں گے تو اجر و ثواب میں مزید اضافہ ہوگا بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد
वाले दिगर नारे सलावात एक दफा और दुरूद पढ़ने मिलकर मोहम्मद वाले गुज़िश्ता बरस इसी मकाम पर एक कलाम के चंद अशआर पेश किए थे वसीयत जनाब सैयदा सलवातुल्लाह शायर नबैत यासिर रज़ा यासिर भाई के लिखा हुआ कलाम आपकी समात की नज़र किया था। आज वसीयत जनाब ज़हरा सलवातुल्लाह जो बीबी ने जनाब ज़ैनब से वसीयत की थी मीर अनीस साहब के मरसी से चल अशआर आपकी समात की नज़र करता हूँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात जब खल्क से वक्ते सफरे फातिमाया तब ज़ैनब सपने बुलाया रोई बहुत और बेटे को छाती से लगा के दिया हाथ में हाथ और ये सुनाया हर रंज में इस भाई के का जाए ये जिदे चली जाई ओ ज़ैनब ये वसीयत है मेरी भूल न जाना जाए शबीर जहाँ साथ में जाना ज़ैनब बेटी से ज़हरा ने बड़े दुख से है पाला है रूह मेरे जिस्म की ये गैसों वाला और समझी से आँखों की जिया घर का उजाला और हुजरे से कभी गर्म हवा में ना निकाला जाए शबीर जहाँ साथ में जाना ज़ैना रखा है इसे मैंने तो पलकों पे सजा कर अरे खाया है जो खाना
गोदी में लिटा गए। ये वसीयत है मेरी भूल न जाना ज़ैना, जाए शबीर जहां साथ में जाना ये खैर से जिस साल गए घुटनियों चलने में छोटे से तलवों से लगी आंखों को मलने और जब नाम खुदा ये लगे उठ उठ के संभलने दी ताकत रफ्तार भी खिला के अजल ने। ये वसीयत है मेरी भूल न जाना ज़ैना, जाए शबीर जहां साथ में जाना ज़ैना। बंदिश करता हूँ कि शाने से कभी टूटता था जुल्फ का गरबार, करती थी परेशानी खातिर मुझे बेहाल, एक दिन दन हुई थी लाल, रुख जर्द था तर हो गया अशकों से रूमाल। ये वसीयत है मेरी भूल न जाना ज़ैना, जाए शबीर जहां में जाना ज़ैना। ऐ लाडली सिलाल का दुश्मन है ज़माना, शबीर को मेरे नजरे बद से बचाना, और तकलीफ भी सह लीजियो भी उठाना। सदके गई मादे की वसीयत ना भुलाना, ये वसीयत है मेरी भूल न जाना ज़ैना, जाए शबीर जहां साथ में जाना ज़ैना। और बस आगे न दे तूल अनीसे जिगर अफगार, बेताब है दिल सीने में और चश्म है खूबार, इस उम्र से का दे अहमद मुख्तार, महरूम रहे कोई वो ऐसी नहीं सरकार। ये वसीयत है मेरी भूल न जाना ज़ैना, जाए शबीर जहाँ साथ में जाना ज़ैना। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह जनाब सैयद अस्सलामुल्लाह अलैह अपनी वालिदा में कबूल फरमाए। मैं खाने की जानिब से
जनाब अली मेदी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ लाए और हमें वहाँ पेश फरमाया। मुल्तमिस हूँ मास्टर ज़ीशान अब्बास नयामी से कि तशरीफ लाए और जनाब सैयदा सलाम अल्लाह की बारगाह में हदीए नहा ये सलाम पेश फरमाए। पर मोहम्मद व आली मोहम्मद सलावात। मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। कहाँ जाए आखे बया वाले हैं सो शिकस्ता है पहलू अकेली है जहरा कहाँ जाए आखे बयाबान है सो शिकस्ता है पहलू अकेली है जहरा रोने पहरा मसाइब का सहरा अकेली है जहरा रोने पहरा मसाइब का सहरा अकेली है जहरा दरे फातिमा को जलाया है तुमने किया वादा अपना बुलाया है तुमने दरे फातिमा को जलाया है तुमने किया तमाचे न मारो मुसलमान जाओ अली को बुलाओ अकेली है जहरा रोने पहरा मसाइब का सहरा के बाबा से कह दो ये जाकर के ले जाओ आकर अकेली है जहरा रोने पहरा मसाइब का सहरा अकेली है जहरा।
تشریف لائیں
और जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह की बारगाह में सलाम व नुहा पेश फरमाए। बार मोहम्मद व आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और मिलकर बाबा से गन्ना कर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। असदारों की सेहत सलामती, जान और माल इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए, घर की खैर और बरकत के लिए मिलकर बाबा से गन्ना सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। मैं है शर में टूटी पसलियां, फरियाद करेंगी। मैं है शर में टूटी पसलियां, फरियाद करेंगी। जहरा के दर की लकड़ियां फरियाद करेंगी। मैं शर में टूटी पसलियां फरियाद करेंगी। जहरा के दर की लकड़ियां फरियाद करेंगी। मैं हश्र में टूटी पसलियां फरियाद करेंगी। कुन्फुज के ताजियाने से जख्मी हुई थी जो, कुन्फुज के ताजियाने से जख्मी हुई थी जो, कुन्फुज के ताजियाने से जख्मी हुई थी जो। हाथों की सारी उंगलियां फरियाद करेंगी। महशर में टूटी पसलियां फरियाद करेंगी। दीवारों दर के दरमियां, दीवारों दर के दरमियां, जहरा के गले से, दीवारों दर के दरमियां, जहरा के गले से उठती फरियाद करेंगी। महशर में टूटी पसलियां फरियाद करेंगी। शहजादी की थकन पेश करता हूँ शेर में। दरबार में खड़े खड़े, दरबार में खड़े खड़े, जिन पर वरम पड़े, दरबार में खड़े खड़े, जिन पर वरम पड़े, अरे पैरों फरियाद करेंगी। मुंह पे लगा तमाचा
मुंह पे लगा तमाम झाड़े कानों से गिर गई, मुंह पे लगा तमाचार कानों से गिर गई। अरे महशर में दोनों बालियां फरियाद करेंगी, महशर में टूटी पसलियां फरियाद करेंगी। बोहलोल माँ के सामने दरबार शाम की, बोहलोल माँ के सामने दरबार शाम की, रोकर महशर में टूटी पसलियां फरियाद करेंगी। मुंह पे लगा तमाचार कानों से गिर गई, मुंह पे लगा तमाचार कानों से गिर गई। महशर में दोनों बालियां फरियाद करेंगी, महशर में टूटी पसलियां फरियाद करेंगी। बरहमत मखदूम आलमीन सलाम जनाब सैयद सलाम अलैह, इनकी इस काविश को इस अजीज अजीम को कबूल फरमाएं। दुआएं मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में के परवरदिगार को मजीद हिम्मत और हौसला अता फरमाएं। मैं अहले खाना की जानिब से ममनून मुतशक्किर हूँ जनाब रिजवान अली ज़ैदी साहब का कि वो दरख्वास्त पर तशरीफ लाए और जनाब सैयद सलाम अलैह की बारगाह में नौ पेश फरमाया। साथ ही मुल्तमिस हूँ नवा खां मुल्तवर खां जनाब हसनैन मेहदी साहब से कि तशरीफ लाए और जनाब सैयद सलाम अलैह की बारगाह में सलाम और नौहा पेश फरमाएं। और मोहम्मद व आली मोहम्मद सलावात बर मोहम्मद व आली मोहम्मद सलावात एक बार और मिलकर दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले में। दरे बतूल जलाया गया मदीने में, दरे बतूल जलाया गया मदीने में, अली को खून रुलाया गया मदीने, दरे बतूल जलाया गया मदीने में, ना जाने क्या हुआ बादे नबी जमाने को,
नमाज जिस से है कायम वो घर जलाने को, नमाजियों को बुलाया गया मदीने में, दरे बतूल जलाया गया मदीने में, सितम तो ये है तमाशाई बन गई दुनिया, किसी ने कुछ न कहा देखती रही दुनिया, अली को कैदी बनाया गया मदीने में, दरे बतूल जलाया गया मदीने में। कहा ये भाई नेक भाई से गले लग के हसन भुला नहीं सकता, हुसैन वो मंजे जब हाथ मां पे उठाया गया मदीने में, दरे बतूल जलाया गया मदीने में। शिकस्ता पहलू जो जहरा दिखाई देती है, हदीसे बिज़त मिन्नी दुहाई देती है, नबी का खून बहाया गया मदीने में। कहा रसूल से बिनते रसूल ने जाके, कहा रसूल से बिनते रसूल ने जाके, फिदक ना देते मुझे कोई गम नहीं था मगर मेरा मजाक उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया गया मदीने में, दरे बतूल जलाया। कहा रसूल से बिनते रसूल ने जाके, फिदक ना देते मुझे कोई
غم نہیں تاب گئے میرا مذاق اڑایا گیا مدینے میں حسن حسین کو پہچان ہی نہیں تمام ہو گئی بنتے نبی کی بینائی تمام ہو گئی بنتے نبی کی بینائی تماچا ہے تماچا ایسا لگایا گیا مدینے میں درِ بتول جلایا گیا مدینے میں حسن حسین کو پہچان ہی نہیں پائی تمام ہو گئی بنتے نبی کی بینائی تماچا ایسا لگا گیا مدینے میں درِ بتول جلایا گیا مدینے میں بر محمد و آل محمد سلام اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے ابھی آپ کے سامنے حسنین مہدی نوحہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پیش فرما رہے تھے میں اہل خانہ کی جانب سے ان کا انتہائی ممنون و متشکر ہوں اور ساتھ ہی ملتمیس ہوں نوحہ خان ملخو خان جناب زیغہ مباس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام و نحو پیش فرمائے بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد برائے خوشنودی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا اے پہلو شکستہ یا فاطمہ زہرا ارے امت نے ادا جرے رسالت کیا کیسا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا ارے وہ درد سہے تم نے جو قاصر ہے بیاں سے شکوہ نہ کیا تم نے کبھی اپنی زباں سے
تنہائی ارے غش آ گیا غش آ گیا ہے در کو بھی حالت جو یہ دیکھی ارے دربار سے گھر لائی تھی بالوں میں سفیدی ارے انصاف کی طالب تھی سا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا ارے حسنین پہ زینب پہ قیامت کی گھڑی ہے وہ غم ہے کہ حیدر کی کمر اس طرح تڑپ کر کبھی روئے نہ تھے مولا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ ارے وہ کانپے نہ تھے خیبر کو اٹھا کر ارے وہ ہاتھ جو کانپے نہ تھے خیبر کو اٹھا کر ارے لرزے میں وہی ہاتھ تھے واللہ برس وقت لحد میں تمہیں حیدر نے اتارا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا ارے پہلو میں محمد کے لحد بننے نہ پائی دہائی ہے دہائی ہے ہے نوحا کناج بھی گنبد خضرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا ارے بی بی تیرے دل پہ ہے اب دھوپ کی چادر بی بی تیرے مرقد پہ ہے اب ہے روح محمد کے لیے درد کا خنجر تربت ہوئی مسمار میسر نہیں سایا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ ارے غیبت میں جو ہادی ہے وہ مجبور نہیں ہے اے زیغام و ریحان وہ دن دور نہیں ہے آئے پے تعمید وارث زہرا یا فاطمہ زہرا بر محمد و آل محمد صلوات جزاک اللہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں اللہ کی جانب سے شکر گزار ہوں جناب زیغم عباس صاحب کا اور ساتھ ہی ملتمس ہوں ماسٹر محمد شاہ سے کہ تشریف لائیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں علی محمد صلوات برعظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد صلوات اللہم
محمد وآل محمد. जरा की बारगाह में एक हुक्म भी है मुझे, तो उससे पहले तामील कर दूंगा. अपने बाबा की कब्र से लिपट के जनाब सैयदा ने कुछ बयान किए हैं. उस बयान के एक दो वालों के लिए जनाब सैयदा आपका हमारा चल के आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. तो क्या नजर कर देता हूँ, अमीर बाप की गरीब बेटी, बस ये मिसरा ही रोने के लिए काफी है. अमीर अरब की गरीब बेटी, तो क्या बहन किया जनाब सैयदा, मैं रोने वालों की नजर करता हूँ भाई. ये वक्त आ गया बाबा, ये वक्त आ गया बाबा, तेरे मदीने में वक्त आ गया बाबा. क्या वक्त आया बीबी पे, बतूर हो गई तनहा, बतूल हो गई तनहा, तेरे मदीने में ये वक्त आ, तेरे मदीने में. अब यहाँ से शेर नजर कर तो रोने वालों को, बतूल हो गई तनहा तेरे मदीने में. क्या बहन के बीबी ने, हसन के सामने वो जुल्म हुआ है मुझ पर, हसन के सामने वो जुल्म हुआ है मुझ पर, रागे गाइस का निशान हर बतूल के रुख पर, मुझे तेरे मदीने में ये वक्त आ गया बाबा, तेरे मदीने, तेरे मदीने में, और है तेरी बेटी को रोने पे, यूं दिला से मिले सफेद आ गई बालों में, मौत से बतूल हो गई ज़ैफ़ा, तेरे मदीने मैं हो गई हूँ ज़ैफ़ा, तेरे मदीने में, और जीऊं मैं कैसे, जीऊं मैं कैसे अली की जुबान से ये सुनकर, सलाम दे ना कुजाब जवाब भी नहीं मिलता, जीने में जीऊं मैं कैसे अली की जुबां से ये सुनकर, सलाम दे गुजाब सलाम कर जवाब भी नहीं मिलता, जीने में. अजीब बहन की है बीबी ने, मैं नजर करता हूँ, जवाब भी नहीं मिलता तेरे मदीने में. मुझे कसम
मेरे गाजी के पाक हाई क्यों हाथों की कसम खा ली मुझे कसम मेरे गाजी के पाई मैं दाएं हाथ से तस्बीह ही पढ़ नहीं सकती कुछ ऐसा जिर है पाया तेरे मदीने में गले में आखिरी बहन सुने शेर का लहद पे बाबा जो बेटियों वाले ना नजर करता हूँ अजीब दुख बीबी ने बयान किया लहद पे बाबा की कहती थी आमो से लहद पे बाबा की कहमो से बाबा जहां में आने से पहले चला तेरी बेटी को मारा युटी को मारा तेरे मदीने में ये वक्त आया बाबा तेरे मदीने में दो तीन शेर सुन लीजिए हुकुम की तामील में जनाब ज़हरा की बारगाह में दो तीन शेर नजर करता हूँ इसी अपने बाबा से मुत्तसिल हाय बाबा तेरी ज़हरा की घड़ी रात मुसीबत की घड़ी है कैसे दरवाजा मोहसिन को बचाओ सांस सीने में रुकी है तेरी ज़हरा अब जो पुरसा देने आए हैं जनाब सैयद का नजर करता हूँ शेर क्या बयान कर रही है बीबी तेरी उम्मत बना दी सांस लेती हूँ मैं जिस दम रुकने लगता है मेरा दम सिर्फ मरने की कमी है और शर्म आती भला तुमको बताऊं कैसे बाबा ये तमाचों के निशा तुमको दिखाऊं कैसे तुम न बेको कहोगे क्या मेरी ज़हरा यही है क्या मेरी ज़हरा यही है तेरी
सहरा पे मुसीबत की घड़ी है, जब से हसनैन अपनी मुसीबत से भूल गई थी, जब से हसनैन के बाबा से सुना है ये कलाम, जब से हसनैन के बाबा से सुना है ये कलाम, मदीने में नहीं करता सलाम, तब से ये हाल है मेरा अब भूल के बाबा, बस मुझे फिक्र अली है तेरी, जहरा पे मुसीबत की घड़ी, जहरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय जहरा कभी दरबार कभी दरबार, अरे कभी दरबार में पेशी को बुलाते, तेरी जहरा पे मुसीबत की घड़ी है, मेरे ये भूल से बचे पूछते हैं कि मुझसे क्या खत है, नज़र करता हूं जो दर्द इस बीबी को खाता रहा ना, वो शेर की सूरत सुनाता हूं, ये अजियत ये अजियत ये खामोशी नहीं देखी जाती, बाबा मुझसे तन्हाई अली की नहीं देखी, दरख्वास्त गुजार हूँ कराची पार्टी के साजिद भाई और उनके साथियों से तशरीफ लाए और जनाब सैयदा सलाम अल्लाह अलैहा की बारगाह में सलाम अल्लाह पेश फरमाए, बार मोहम्मद व आली मोहम्मद रोती हुई दरबार से लौटाई, रोती हुई दरबार से लौटाई फातिमा, रोती हुई फातिमा, रोती हुई दरबार से लौटा माँ, रोती हुई दरबार से लौटाई फातिमा, रो जाने क्या से ना जाने क्या वहां से देखा, रोती हुई दरबार से लौटाई फातिमा, जवाब देंगे जियो, रोती हुई दरबार से लौटाई फातिमा, इस बात का नहीं जागीर छीन ली, जागीर छीन
फातिमा रोती हुई दरबार से लौटा, रोती हुई दरबार से लौटाई फातिमा। कितने दिन है जी पाई फातिमा से लौटाई फातिमा, रोती हुई दरबार से लौटाई फातिमा। कितने हैं दुनिया में कई फातिमा, रोती हुई दरबार से लौटाई फातिमा, रोती हुई दरबार से लौटाई फातिमा। जख्मी पहलू कौसर पे जख्मी पहलू बोलाई फातिमा, रोती हुई दरबार से लौटाई फातिमा, कैसे बयान रोती हुई दरबार फातिमा। तो दरबार से लौटाते माँ
محمد آل محمد سلوات اللہم صلی پہلو بھی شکستہ ہے تربت پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفید شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تو روتی رہی گھر میں ہے در سے بھی چھپ چھپ کے اس مت کی طرح دکھ بھی پردے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تو روتی رہی گھر میں ہے در سے بھی چھپ چھپ کے اس مت کی طرح دکھ بھی پردے شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے بس گئے شکستہ ہے تربت بھی
شکستہ ہے جواب دے کے جو پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے بس گئے درخواست گزار ہوں شباب المومنین کی ناظرین پارٹی سے کہ تشریف لائیں جناب سید السلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام و نوحہ پیش فرمائیں بر عظمت جناب سید السلام اللہ علیہ بلند تر صلوات اور عظمت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا بلند الصلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد برائے خوشنودی سکار حضرت ابو طالب بلند تر صلوات برائے خوشنودی سکار حضرت فضا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے سہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے سہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے سہرا تیری لہد پر چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے چند
چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے زہرا تیری لہد پر غرب کی انتہا ہے آپ سب موہے کا جواب دیں بڑی مہربانی جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے زہرا تیری لہد پر غرب کی انتہا عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے زہرا تیری لہد پر غرب کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لہد پر
کی انتہا ہے. کیا یہ دلیل کا سایہ نہ ندا ہے زہرا تیری لہد پر. کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں خم ہے. کمر میں خم ہے کئی بار آسمان سجدہ ادا کیا ہے سہارا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. بل اکبر نور صدا جاندیا کر بل اکبر نور Oh.
کربل اکبر نو دیوے بیڑ صدا میں مسافر ہاں بیڑ کربل دا میری مرض سینا دیا محمد و آل محمد پہ بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سب بولے جی نام امام بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں حاسب سے کلمہ گو کل سی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنتے نبی ہوں پوچھا ہے کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی رستے میں گری ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنتے نبی ہوں جتنے دکھ میں پڑے وہ سے بنے یہ
दुख कम तो नहीं है, किस कदर तन्हा मदीने में हुई हूँ, कोई सुनता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ। एक तहरीर उठाए बोली दस बार में आकर हूँ, जितने दुख मैंने सहे गए दिन पर भी पड़े, वो से आराध बने, ये ही दुख काम तो नहीं है, किस कदर तन्हा मदीने तहरीर उठाए बोले दरबार में आकर जहरा लोगों में भी हूँ, वो तो कम से है अभी दूर है शाम से भी, जैनब ने ये पूछा कहाँ जाती हो बताओ अम्मा, मैंने जैनब से छुपाया कि मैं दरबार चली हूँ। एक तहरीर उठाए बोली दरबार में आकर सहारा तो मैं मिलते नबी हूँ, वो तो कम से है अभी दूर है शाम से भी, सहना पाएगी कभी मुझसे जैनब बताओ अम्मा, मैंने जैनब से छुपाया के मैं दरबार चली हूँ। एक तहरीर उठाए बोली दरबार में आकर सहारा लोगों में ऐसे खामोश हो क्यों, कहना चाहो जो कहो अम्मा कुछ तो बोलो, रोके बोली बेटों से साथ बहनों का निभाना, सर कैसे चलेगी बस यही सोच रही हूँ। एक तहरीर उठाए बोली दरबार में आकर जहरा लोगों में बिलते नबी हूँ, ऐसे खामोश हो क्यों, कहना चाहो जो कहो अम्मा कुछ तो बोलो, रोके बोली बेटों से साथ बहनों का निभाना, करबल में नंगे सर के सोच
पूछ रही हूँ एक तहरीर। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। दरबार बुलाया जालिम ने बाबा तेरी जहरानू। दरबार बुलाया जालिम ने बाबा तेरी जहरानू। दरबार बुलाया जालिम बाबा दरवाजे नू साड़ के
बाबा तेरी जारा नू दरबार बुलाया जालिम ने बाबा तेरी जारा नू दरबार बुलाया जालिम ने हर माल कमर इस गर्दा करसी कुल दुनिया कुल दुनिया हशर ताई जैनब को लो खोलिया मावाला जाया जालिम ने बाबा लाहु मासूम जनाब अल्लाह जनाब सैयद अस्सलाम अलैह आपकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाएं मैं अहले खाना की जानिब से मुतशक्किर शबाब मोमिनीन के नौखां नाज़िम पार्टी से परवरदिगार इनको अजर अज़ीम अता फरमाए साथ ही दरख्वास्त गुजार हूँ अंजुमन शबाब मोमिनीन की नौखां पार्टी संगत दर शबीर से के फरशाद पर तशरीफ लाए और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह को हदीये में नौ सलाम पेश फरमाए संगत दर शबीर के नौखान से गुजारिश है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह की बारगाह में सलाम और नौखान पेश फरमाए वर मोहम्मद व आलि मोहम्मद अस्सलाम बारे दीगर बुलंद तरीन सलावात मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावात खुशनुदी इमाम समाना बुलंद तरीन सलावात थोड़ा थोड़ा सा आगे आगे आ जाए ताकि जो बाहर बैठे हैं वो भी अंदर आ गए बारे दीगर बुलंद तरीन सलावात मारा है फातिमा को सबने को सबने रुला रुला कर हाय मारा है फातिमा को सबने रुला रुला कर हाय मारा है फातिमा को सबने सबने रुला रुला
माँ को सबने रुला रुला कर भाई मारा है फातिमा को गोवरों ने कलमा वालों को बड़े
ये मुसलमान ने क्या किया।
अंबिया ये मुसलमान क्या किया शाहे अंबिया जिस दर पे आप रुक गए थे इजाजत दे फरिश्ते ऐश से हरने ले आते उस पे आया आग से वो घर जला दिया और साथ ही दरख्वास्त गुजार हूँ सिर्फ अहसन भाई से ज्यादा पढ़ाए।